वेलकम टू मनीष राव क्लासेस। आज है 30 अक्टूबर, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में से किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा करने का निर्णय लिया है? तो ये कंपनी है फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में से किस संस्थान ने देश में दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सूत्र का 6ठा संस्करण प्रकाशित किया है? तो यह भारतीय वेसज संहिता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में से किस देश ने ब्रिक्स ब्राजील रूस भारत चीन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 13वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो यह है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में पब्लिक अफेयर सेंटर के अनुसार किस राज्य ने शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में एक दिन में 27 करोड़ रुपए दान करके इनमें से कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये है अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सोरायसिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो यह है मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में ईशानी लोक सूर्यागे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वह है श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने स्कूल कार्यक्रम के लिए दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो बढ़ा दिया 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो चुना गया है रोहन जेटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली पहली यात्री ट्रेन अक्टूबर 2021 में किस शहर में पहुंची? तो पहुंची गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अक्टूबर 2021 में किस शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है? तो किया है भावनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 29 अक्टूबर 2021 से भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टीयर ट्रेन चलाना शुरू किया है? ट्रेन का नाम क्या है? तो यह है गति शक्ति एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कोलकाता प्रेस क्लब में बंगबंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है हसन महमूदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में एक्सिस बैंक के बोर्ड ने किसे बैंक के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में फिर से नामित किया है? तो यह है राजीव आनंद को।